हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द कोचिंग अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं एनसीबीटी और एससीबीटी सर्टिफिकेट क्या होती है। और आप लोग आईटीआई करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोनों में से कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, तो ये सब चीज के बारे में हम लोग जानते हैं आइए हम लोग इस वीडियो में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर लोको पायलट की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो आपको एक कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। स्मार्ट वीडियो कोचिंग हमारा ऑनलाइन कोचिंग है। आप इस कोचिंग को ज्वाइन करके आप 100% तैयारी कर पाएगा और आप हमारा मास्टर नोट्स को लेकर के आप 90% तक चीजें वहां से कवर कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में हमारा मास्टर नोट्स से 90% क्वेश्चन जो उसी में से आते हैं। और इसके बारे में डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आपको इस वीडियो के लास्ट में हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं एनसीबीटी और एससीबीटी सर्टिफिकेट के बारे में। तो एनसीबीटी और एससीबीटी है क्या, ये दोनों आईटीआई के अंतर्गत में आते हैं। आईटीआई मतलब कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिसमें कि एनसीबीटी सर्टिफिकेट और एससीबीटी सर्टिफिकेट दी जाती है। स्टूडेंट के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि हमें एससीबीटी सर्टिफिकेट मिला है हमारा क्या होगा, हमें एनसीबीटी सर्टिफिकेट मिला है हमारा क्या होगा। तो आइए यही सब चीज के बारे में पूरा जानते हैं इस वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनसीबीटी, यानी कि नेशनल, हम लोग दोनों का हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं एनसीबीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। एससीबीटी, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। एनसीबीटी की संख्या सिर्फ एक है, वो भारत का केंद्र में है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और 1956 में इसका स्थापना हुआ था, 1956 में एनसीबीटी का स्थापना हुआ था। और एनसीबीटी जो है जितने भी प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं या फिर जितने भी तरह के प्रशिक्षण कोर्स सरकारी तरह के होते हैं या फिर कंट्रोल है गवर्नमेंट का, वो सब एनसीबीटी के अंतर्गत में आते हैं, जिसमें कि आईटीआई है, अप्रेंटिस है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। और एससीबीटी जो है वो एनसीबीटी का ही, यानी कि एससीबीटी जो है स्टेट, भारत में कितने सारे स्टेट है, उन सभी स्टेट में एससीबीटी की भी स्थापना की, जो कि एनसीबीटी का ही पार्ट है, यानी कि एनसीबीटी का ही पार्ट है एससीबीटी। और जो फंक्शन एससीबीटी का है वही फंक्शन एनसीबीटी का है। और एनसीबीटी जो है एससीबीटी को कंट्रोल करती है। जैसे कि हम लोग बिहार से हैं तो बिहार में भी एक एससीबीटी कार्यालय होगा, झारखंड है, झारखंड में भी एससीबीटी कार्यालय होगा। इसी तरह से तमाम तरह के जितने भी राज्य है सब जगह पे इस तरह की चीजें होगी। तो अब देखें यहाँ पे इसकी स्थापना 1956 में हुई थी श्रम मंत्रालय के अंतर्गत में। श्रम मंत्रालय के अंतर्गत में ये आती है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ओके चलिए ठीक है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आप लोग याद रख लीजिएगा। ओके चलिए और लोग आगे देखते हैं एनसीबीटी सर्टिफिकेट और एससीबीटी सर्टिफिकेट कहाँ पे उपयोगी है। वैसे मैं आपको बता दूं लोको पायलट के लिए अगर आपके पास एससीबीटी सर्टिफिकेट है या फिर एनसीबीटी सर्टिफिकेट है तो आपको लोको पायलट या फिर किसी भी सरकारी नौकरी या फिर गैर सरकारी या फिर अर्ध सरकारी नौकरी में आपको नौकरी से नहीं रोकेगी। यानी कि एनसीबीटी सर्टिफिकेट और एससीबीटी सर्टिफिकेट दोनों लगभग में बिल्कुल सेम है, 99% तक बिल्कुल सेम है। कुछ केस में क्या होता है कि प्राइवेट कंपनियां या फिर जहां पे आप जाते हैं अप्रेंटिसशिप करने के लिए, वहां पे एससीबीटी सर्टिफिकेट है आपके पास, किसी के पास है एनसीबीटी सर्टिफिकेट, तो वहां पे क्या बोलते हैं कि एनसीबीटी सर्टिफिकेट वालों का हम लेंगे, एससीबीटी को नहीं। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि एससीबीटी सर्टिफिकेट जो है वो एनसीबीटी सर्टिफिकेट से थोड़ी सी कमजोर है, और जिसके पास एससीबीटी सर्टिफिकेट है वो स्टूडेंट एक अप्रेंटिसशिप का कोर्स करके उसको एनसीबीटी का कोर्स मिल सकता है, यानी एनसीटी, लेकिन उसकी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है सरकारी नौकरी में। और सरकारी नौकरी में तो आपको अप्रेंटिसशिप की भी जरूरत नहीं पड़ती। अप्रेंटिसशिप क्या प्रोग्राम होती है इसको हम एक वीडियो में अलग से हम लोग डिटेल से समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग थोड़ा सी बात जान लेते हैं। यानी कि अप्रेंटिसशिप जो होती है आपको एक साल का ट्रेनिंग भी दिया और आपको एक साल का एक्सपीरियंस भी दिया, यानी दोनों चीजें सर्टिफिकेट मिल गई आपको एनसीबीटी से। और इसके बाद आप किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करिएगा तो आपको वहां पे एक्सपीरियंस मांगेगा, तो आपके पास अप्रेंटिसशिप है, इसका मतलब यह है कि आपने कहीं पे एक साल काम भी किया है और एक तरह से ट्रेनिंग भी हुआ, तो वो काफी अच्छी चीज होती है। और आपको अगर अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं तो आपको वहां पे एनसीबीटी सर्टिफिकेट ज्यादा डिमांड होती है एससीबीटी के मुकाबले, तो वहां पे हो जाती है। लेकिन अगर आपको आईटीआई करना है, जब एनसीबीटी अच्छा है तो हमको एनसीबीटी से ही करना है,
अगर आप जाते हैं आईटीआई करने के लिए किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, वैसे जितने भी आप सरकारी कॉलेज हैं तो वो ज्यादातर एनसीबीटी सर्टिफिकेट देती है और कुछ कॉलेज आपको एससीबीटी सर्टिफिकेट देती है। तो अगर आपको लोको पायलट ही बनना है तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं, आप दोनों में से बीबीसीएल कर सकते हैं। और हम प्राइवेट करने जाते हैं, चूंकि हम पैसा दे रहे हैं तो हमको एनसीबीटी सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप उस कॉलेज को बोलिए कि आप हमें कौन सा सर्टिफिकेट देने वाले हैं। वैसे सरकारी कॉलेज को आप बोल के आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो मिलता होगा वही आपको मिलेगा, चाहे एनसीबीटी मिले या फिर एससीबीटी मिले। तो ये रही बात। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि आप अगर किसी प्राइवेट कॉलेज जाते हैं तो वहां पे पहले आप चेक कर लीजिए कि वो एससीबीटी सर्टिफिकेट दे रहा है या फिर एनसीबीटी सर्टिफिकेट। वैसे जितने भी प्राइवेट कॉलेज है मैक्सिमम वो केंद्र सरकार के यानी कि एनसीबीटी से ही कंडक्टेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, एससीबीटी से बहुत कम होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज है जो कि एससीबीटी के बाद आते हैं, यानी कि एससीबीटी से मान्यता लिए रहते हैं। वैसे कॉलेज ज्यादातर यानी कि उसकी मान्यता रद्द रहती है या फिर उसको एनसीबीटी वैल्यू नहीं देता है उसके सुविधा के अनुसार। तो आप लोग अगर प्राइवेट से करते हैं तो आप ये समझ लें कि हमको एनसीबीटी से ही करना है। चलिए ठीक है, पूरी पूरी कन्फ्यूजन दूर हो गई। और कुछ चीजें और बची रहेगी, अभी कन्फ्यूजन कुछ और बची रहेगी तो आप हमें कमेंट कर दीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अगला वीडियो जो होगा हमारा लोको पायलट एग्जाम्स के ऊपर होगा। लोको पायलट में कितने तरह के एग्जाम्स लिए जा रहे हैं या फिर एक नया सिस्टम आया सीईटी, क्या सीईटी से लोको पायलट होगा, सीईटी सिर्फ से अभी नाम आया है इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। एक वीडियो और हम बनता है कि सीईटी जो है रेलवे एग्जाम पे क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या सच में आ रही है, क्या इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है, ये सब चीज के बारे में हम जानेंगे आगे की वीडियो में। तो तब तक इस वीडियो को दे लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आप लोको पायलट की तैयारी कर या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, अब तो एसएससी बैंकिंग और रेलवे तीनों एक ही जगह पे आ गए हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मास्टर नोट्स और वीडियो कोचिंग लेनी होगी। 8406 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, 8406 89 111 6। आप लोग इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद आप हमें कॉल करिए, मिस कॉल करिए, हम आपको बाद में कॉल बैक करेंगे। कभी भी आपको आप हमें फोन करते कभी भी हम आपका फोन एक बार पिक नहीं करेंगे, क्योंकि फोन हमारा साइलेंट रहती है, जब हमें फुर्सत मिले तभी हम आपको कॉल बैक कर पाएंगे। इसलिए हमारा नंबर को सेव कर लीजिए ताकि हम जब आपको कॉल बैक करें तो आपको पता चले। यहीं से आपको मास्टर नोट्स मिलेगी, मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग। यानी कि आपको स्मार्ट वीडियो कोचिंग और मास्टर नोट्स लेकर के आप आसानी से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं और आप हमारे मास्टरमाइंड का यूज करके बिल्कुल। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, हम आपको मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। और हाँ, बहुत ही जल्द इतिहास का हम सीरीज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एसीटी जब लागू होगी तो इतिहास से काफी ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपकी पढ़ाई का लोड काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोग भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, एग्जाम तो कभी न कभी होगी, आपको तैयारी में काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिए और जैसे ही आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन मिले आप लोग कमेंट करके लिखिए आई एम द फर्स्ट व्यूअर ऑफ दिस चैनल। थैंक यू सो मच।